पता चलने पर कि कोई चोर है, फिर तो धर्मशाला में भी जगह नहीं मिलती। पर आपने देखा, हाँ देखा आपने, देवी अहिल्या का चमत्कार। एक चोर की बेटी को हवेली में शरण दिलवा रहे। वाह सारजा, जाओ यहां से। अपनी तरह के लोग, मतलब आपका मतलब उसके औकात से था ना। आप एक बात भूल रही है द्वारका बाई साहेब, अहिल्या इस राज्य की होने वाली रानी है। बाहर वालों के सामने आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अहिल्या से उसके औकात की बात करके आपने सिर्फ उसका नहीं, मेरा, खंडेराव का और बड़े सरकार का अपमान किया है। अपनी जबान को काबू में रखिए जरा। फिर से अगर ये भूल हुई तो हमें बड़े सरकार से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। अक्का साहेब माफ कीजिए, लेकिन उस चोर की बेटी को महल में देखकर हमें फिक्र हुई, इसलिए बस आज से हमारे महल की सेविका है वो। उसे चोर की बेटी कहना बंद कर दीजिए। अहिल्या चलिए यहां से। जिस लड़की का नाम सुनकर अक्का साहेब की भव्य तन जाती थी, आज वो उसी का साथ दे रही है। करेले में अचानक शहद की मिठास कैसे आ गई? अहिल्या तो सचमुच जादू करनी निकली। इस मिठास को हम बढ़ने नहीं देंगे। बड़े सरकार के साथ साथ अगर अक्का साहेब भी अहिल्या का साथ देने लग गई तो अहिल्या को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पेशवा बाजीराव, बहुत भरोसा करते हैं सुबेदार मल्लार राव पर। उन्हें वो अपना दाहिना हाथ मानते हैं। अगर ये हाथ ही ना रहे तो हो जाएगी ना। पेशवा बाजीराव की ताकत चूर चूर। दुश्मन हमारे करीब आ चुके हैं आई साहब, और ये बात हमने आपको तब इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम अहिल्या को लेकर आ रहे थे, और भी लोग थे वहां पर, और आप ही ने तो कहा था जिम्मेदारी का काम है, खुफिया बातें सबके सामने नहीं करते। ठीक किया तुमने, लेकिन रंगराव ने जो कहा कि समय कम है और खतरा बहुत ज्यादा, इसलिए कार्रवाई हमें जल्द से जल्द करनी होगी। बेटा खंडोबा नवरात्रि 2 दिनों में शुरू हो जाएगी।
त्योहार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आप परेशान मत होइए। इस समस्या को सुलझाने का रास्ता हमने निकाल लिया है और हमारे रहते हुए कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो हम आज ही हमारे खास लोगों को बुला लेते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर हमारी साहब से कुछ जरूरी बात कर रहे हो, छुपकर हमारी बातें सुन रही हो, जासूसी कर रही हो यहाँ पर? नहीं छोटे सुबेदार जी, मैं तो बस सासू भाई को ये बताने आई थी कि मेरा मंदिर का सारा काम हो गया और मैंने खंडुबा के सामने का दिया भी जला दिया। हाँ ठीक है भाई साहब, आपको इसे अब जो भी काम करवाना है इसे अभी कह दीजिए, वरना वो यहाँ पर सरपड़ी खड़ी रहेगी। तू जान चुकी है ना कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब सही कहती आई, राजपाट भले ही समझना है इसे, पर राजपाट की बातें सुनने में बहुत रुचि रखती है ये। अहिल्या, कल भंडारा बनवाना है। मैंने कहा था ना, होलकर वंश की बहुएं ही भंडारा तैयार करती है। भाग्यवान हो तुम जो इस साल कुलदेव की सेवा करने का मौका तुम्हें भी मिला है। जी सासु भाई, पर मैंने इससे पहले कभी भंडारा नहीं बनाया। जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने हरकुबाई साहब से कहा कि आपको सब कुछ समझा दे। कोशिश और अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। क्या हुआ सासू भाई? आपने अभी जो कहा, मतलब किसी को पहले कुछ नहीं आता है तो भी वो बाद में सब कुछ सीख सकता है ना? सब कुछ नहीं, इसे समझा दीजिए आई सर कि हर काम इसके बस का नहीं है, वरना ये आपके पीछे पड़ी रहेगी और बात बात पर हमें भी सलाह देती रहेगी। नहीं, मैंने तो बस कल की तैयारी करनी है भी या नहीं। जाओ, हरकुबाई साहब तुम्हें सारी विधियां समझा देंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.